मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बी एड सेकेंड ईयर के हमने स्टार्ट किया था पेडागॉजी ऑफ हिस्ट्री के अंतर्गत। अब तक हम लोगों ने इतिहास का पाठ्यक्रम क्या था, क्या है, उसको हमने कल तक समझा था कि इतिहास पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो है हमारे इतिहास के शिक्षण शास्त्र विषय के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हमारी तीन यूनिट है और हमने इन तीनों यूनिट का बारे में पूरा सिलेबस कल तक नोट करा। आज मैं अपनी बात शुरू करने से पहले कुछ एक विषय बीएड सेकंड ईयर के जो विषय हैं सेकंड ईयर के जितने भी विषय हैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगी। आपके बीएड सेकंड ईयर के जो सब्जेक्ट्स हैं या विषय हैं उनमें सबसे पहले दो स्थान पर, एक और दो नंबर पर जो है आपके टीचिंग सब्जेक्ट है। टीचिंग सब्जेक्ट यानी कि शिक्षण विषय। अभी शिक्षण विषय कौन से हैं? जैसे आप लोगों के पास है जैसे हिंदी, इतिहास, संस्कृत, इंग्लिश, ठीक है ना, सामाजिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, यानी कि ये जितने भी आपके जो सब्जेक्ट हैं हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, हिस्ट्री, सिविक, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, ये जितने भी सब्जेक्ट हैं ये आपके टीचिंग सब्जेक्ट में हैं, जो कि फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट्स थे वही सब्जेक्ट्स एज यूजुअल कैरी ऑन आपके यहाँ पर हो रहे हैं। जैसे कि आप लोग बी ए के सब्जेक्ट थे वो फर्स्ट ईयर में जो किए वो सेकेंड थर्ड ईयर रेगुलर चले, वही चीज अभी भी आपके हैं कि टीचिंग सब्जेक्ट्स में आपके दोनों टीचिंग सब्जेक्ट जो आपने फर्स्ट ईयर में थे वही दो टीचिंग सब्जेक्ट रहेंगे। तीसरा जो आपका, अब यहाँ पर मैं आपसे बात करने वाली हूँ, आपके सेकेंड ईयर में पांच कंपलसरी पेपर्स हैं, पांच में से तीन आपके कंपलसरी पेपर्स हैं और दो आप लोगों के स्पेशल पेपर्स हैं। तो कंपलसरी पेपर्स जो आपके हैं वो सबसे पहला है नॉलेज एंड करिकुलम, नॉलेज एंड नॉलेज और करिकुलम यानी कि ज्ञान एवं पाठ्यचर्या। ज्ञान और पाठ्यचर्या इसके अंतर्गत आप लोगों को के पांच यूनिट्स हैं। जो टीचिंग सब्जेक्ट है उसमें आप लोगों के जितने भी टीचिंग सब्जेक्ट है उसमें आप लोगों की तीन यूनिट्स हैं, तीन यूनिट्स का अध्ययन करना है आपका। यहाँ पर पहला जो तीन कंपलसरी है उनमें से पहला नॉलेज एंड करिकुलम यानी कि ज्ञान और पाठ्यचर्या, जिसमें आपको पांच यूनिट के बारे में पांच यूनिट का अध्ययन करना है। दूसरा जो इसमें आपका सब्जेक्ट है लर्निंग असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट लर्निंग। अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के लिए आकलन, इसमें भी आपको पांच यूनिट का अध्ययन करना है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन, ये आपका सभी कंपलसरी पेपर है। फर्स्ट आपका नॉलेज एंड करिकुलम, सेकंड असेसमेंट फॉर लर्निंग जिसमें आपको पांच यूनिट का अध्ययन करना है, थर्ड जो आपकी इसमें कंपलसरी पेपर है वो है एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल मैनेजमेंट एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड क्रिएटिंग
ये सब्जेक्ट जो है इसका हिंदी में है शैक्षिक प्रबंधन, शैक्षिक प्रबंधन एवं समावेशित विद्यालय, समावेशित विद्यालय ठीक है, समावेशित विद्यालय शैक्षिक प्रबंधन एवं समावेशित विद्यालय सृजन, यानी कि ये आपके तीन कंपलसरी पेपर्स हैं। नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान और पाठ्यचर्या, असेसमेंट फॉर लर्निंग अधिगम के लिए आकलन, और एजुकेशन मैनेजमेंट एंड क्रिएटिव इंक्लूसिव स्कूल शैक्षिक प्रबंधन एवं समावेशित विद्यालय सृजन, ये आपके तीन कंपलसरी पेपर हैं। फर्स्ट पेपर नॉलेज एंड करिकुलम, सेकंड पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग, और थर्ड पेपर आपका इंक्लूसिव स्कूल समावेशित शिक्षा, शैक्षिक प्रबंधन समावेशित शिक्षा, ये आपके तीन कंपलसरी पेपर्स हैं। यानी कि अब तक हम पांच पेपर्स के बारे में बात कर चुके हैं, दो आपके टीचिंग सब्जेक्ट हैं और तीन के पांच सब्जेक्ट हो गए। अब आपके दो सब्जेक्ट जो स्पेशल पेपर्स हैं उसमें पहला है अंडरस्टैंड द सेल, स्वयं की समझ, स्वयं की समझ, अंडरस्टैंड द सेल्फ, स्वयं की समझ, ये जो पेपर है आपका इसमें अंडरस्टैंड द सेल्फ, समझ, स्वयं की समझ, ये आपको मैडम बता चुके होंगे, ये आपका इंटरनल है, इंटरनल असेसमेंट है, इसके अंतर्गत इसका यूनिवर्सिटी पेपर नहीं है, जो भी है आपकी जितनी भी एक्टिविटीज है वो इंटरनल है। और फिर बाद में सेकंड जो स्पेशल पेपर है वो है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, निर्देशन और परामर्श, ये विषय निश्चित है कि इसमें आप लोगों के और भी सब्जेक्ट्स हैं। अब ये ठीक है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो भी आप लोग लेना चाहें इसमें, तो आपके ये पांच और ये दो सात सब्जेक्ट हैं। ये जो सब्जेक्ट आपका सेकंड स्पेशल पेपर है इसका भी आप लोगों का यूनिवर्सिटी पेपर इंटरनल मार्किंग होती है, इसके अंतर्गत आपके तीन यूनिट है, यानी कि आपके ये टोटल आपका जो सिलेबस है या कोर्स है वो आपके सामने है कि दो आपके टीचिंग सब्जेक्ट हैं, तीन आपके कंपलसरी पेपर हैं और दो आपके स्पेशल पेपर्स हैं, और इन्हीं को लेकर आपके सामने हम अपनी सारी बात या जो टीचिंग है वो ऑनलाइन हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। उसमें हम मैं आप लोगों से पेडागॉजी ऑफ हिस्ट्री जो आपका टीचिंग सब्जेक्ट है, हिस्ट्री की गर्ल्स जिनके पास इतिहास शिक्षण विषय के रूप में है, उन लड़कियों के लिए इतिहास का शिक्षण शास्त्र विषय के अंतर्गत कल हम लोगों ने इतिहास के पाठ्यक्रम को अब तक देख लिया था कि इतिहास में पाठ्यक्रम जो है वो सिलेबस क्या है। आज हम इसी के आधार पर अपनी फर्स्ट यूनिट जो हम लोगों ने अब तक देखी थी, फर्स्ट यूनिट का हम टीचिंग शुरू करेंगे। फर्स्ट यूनिट क्या थी आप लोगों की, इतिहास का पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक। अब इसके अंतर्गत यानी कि फर्स्ट यूनिट आपकी क्या है, यूनिट फर्स्ट इतिहास का, इतिहास का पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तक।
इस यूनिट को हमने शुरू करना है, इस यूनिट को हम आज आपके साथ शुरू करेंगे। और इसमें सबसे पहला जो है कि नाम से स्पष्ट है कि इतिहास का पाठ्यक्रम यानी कि इसको समझना है हमें, तो हम अपनी बात यहीं से शुरू करेंगे कि पाठ्यक्रम क्या है। पाठ्यक्रम का आज हम सिर्फ इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अमूमन सामान्य रूप से हम जब बात करते हैं तो पाठ्यक्रम का क्या अर्थ लगाया जाता है, पाठ्यक्रम का अर्थ लगाया जाता है सिलेबस से। पाठ्यक्रम का जो हम अर्थ समझते हैं वो जो अमूमन रूप से देखा जाता है पाठ्यक्रम को, हम सिलेबस से हम इसका अर्थ लगाते हैं, जबकि हमें यहाँ पर पाठ्यक्रम को पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या दो शब्द होते हैं। पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या ये दो शब्द आप लोगों के सामने हैं, और हम अधिकांश रूप से ये कहते हैं कि पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या दोनों को समानार्थी शब्दों के रूप में उपयोग में लेकर आते हैं। अर्थात यहाँ पाठ्यक्रम के अर्थ में भी पाठ्यचर्या का उपयोग करते हैं, पाठ्यचर्या के अर्थ में भी पाठ्यक्रम का उपयोग करते हैं, लेकिन इन दोनों में अंतर है, अंतर होता है, अंतर पाया जाता है। अब यहाँ पर चूंकि आम बोलचाल की भाषा है, जैसे हमने भी अब तक जितना मैंने कहा पाठ्यक्रम लिखवाया पाठ्यक्रम लिखवाया, तो इसका मतलब मैंने सिलेबस को लेकर आपके साथ में चर्चा की है, मैंने करिकुलम को लेकर चर्चा नहीं की है, मैंने सिलेबस को लेकर चर्चा की। इसीलिए बात प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि आप जब भी पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या की जहां बात आती है, तो चूंकि ये समानार्थी शब्द के रूप में दोनों शब्दों को एक ही अर्थ में उपयोग किया जाता है, लेकिन इनमें अंतर होता है, इसीलिए इनके इंग्लिश में जो शब्द बोले जाते हैं, इन इंग्लिश में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उनको आपको 100% उन्हीं को याद रखना है, तभी आपके दिमाग से या किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है आप उसको क्लियर कर पाएंगे, या क्वेश्चन पेपर्स के अंदर क्वेश्चन को भी आप तभी समझ पाएंगे, या हम यहाँ पर जो भी चर्चा कर रहे हैं आप उसको तभी समझ पाएंगे, क्योंकि हम बार बार वही बात आ रही है कि पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या को हम एक एक, क्योंकि कुछ किताबों में पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यचर्या शब्द यूज किया गया है, कुछ किताबों में पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या के लिए पाठ्यक्रम का शब्द का उपयोग किया गया है। इसीलिए यहाँ पर इस चीज को समझना बहुत अनिवार्य है कि पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में अंतर होता है। अब यहाँ पर इस चीज को देख लीजिए कि पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस और पाठ्यचर्या यानी कि करिकुलम, ठीक है। यहाँ जो हम उपयोग करेंगे पाठ्यक्रम वो सिलेबस के संदर्भ में उपयोग में लाएंगे, और पाठ्यचर्या यानी कि हम करिकुलम को हम जो उपयोग करेंगे वो पाठ्यचर्या के रूप में करेंगे, लेकिन यहाँ बात इसकी नहीं होगी, सिलेबस की फिलहाल कोई बात नहीं होगी, पाठ्यक्रम की फिलहाल कोई बात नहीं होगी, शुरुआत हम करेंगे यहीं से, करिकुलम से, पाठ्यचर्या से। चूंकि बोलचाल में शब्द पाठ्यक्रम अधिक मुंह पर चढ़ा हुआ है, तो मे बी पॉसिबल कि पाठ्यचर्या बोलते बोलते पाठ्यक्रम बोल दिया जाए, लेकिन उसका अर्थ करिकुलम से ही लगाया जाएगा, प्रयास यही रहेगा कि मैं अपनी बात को करिकुलम से ही ज्यादा आगे बढ़ाऊं, बनिस्पत की हिंदी शब्द के, क्योंकि बहुत सारी किताबों को देखा है, कई किताबों में पाठ्यचर्या के लिए पाठ्यक्रम शब्द यूज किया है, और कई किताबों में पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यचर्या शब्द यूज किया है, यानी कि सिलेबस के लिए पाठ्यचर्या यूज किया हुआ है, और कहीं पर करिकुलम के लिए पाठ्यक्रम शब्द यूज किया गया है। मैंने दो तीन किताबें कुछ ऐसी देखी है, मे बी पॉसिबल कि वहाँ गलत प्रिंट हुआ हो, लेकिन हम श्योरिटी नहीं कर सकते, इसीलिए मतलब हम उन किताबों को अगर मानते हैं, इसीलिए किसी भी तरह का कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। हालांकि करिकुलम का अर्थ पाठ्यचर्या का अर्थ करिकुलम ही होता है, करिकुलम के लिए पाठ्यचर्या शब्द ही यूज किया जाता है, और सिलेबस के लिए पाठ्यक्रम शब्द ही यूज किया जाता है। इसीलिए किसी भी तरह का, क्योंकि किताबों में कुछ प्रिंट इस तरह के हैं कि हम कंफ्यूज हो सकते हैं,
रखना है। हम हमारी बात करिकुलम से स्टार्ट करते हैं कि करिकुलम या पाठ्यचर्या क्या है या इसका अर्थ क्या है। ये पाठ्यक्रम को इसका अर्थ अगर हम समझना चाहें तो यहाँ सबसे पहली चीज एक बात को बहुत स्पष्ट समझनी होगी कि जब शिक्षण प्रक्रिया की बात आती है, शिक्षण प्रक्रिया की बात करते हैं तो इसमें चार पक्ष, इससे चार आयामी है। अमूमन तो त्रिआयामी माना जाता है लेकिन इसको चार आयामी पक्ष माना जाता है। पहला एक है शिक्षक, दूसरा है शिक्षार्थी, तीसरा है वातावरण और चौथा है पाठ्यक्रम। यानी कि ये जो प्रक्रिया है, शिक्षण प्रक्रिया है, इनमें इन चार का होना बहुत अनिवार्य है। इन चार के बिना शिक्षण प्रक्रिया संभव नहीं है। शिक्षक होगा तभी ये तीनों पक्ष कारगर होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। क्योंकि शिक्षक है तभी वो शिक्षार्थी को पढ़ाएगा, वातावरण के अनुकूल और जो पाठ्यक्रम है उसके अनुकूल उसे शिक्षा प्रदान करेगा। शिक्षार्थी होगा तभी शिक्षक या पाठ्यक्रम किसी तरह का उपयोग में आएगा। वातावरण के बिना बालक निर्मित नहीं हो सकता। वातावरण यानी कि उद्देश्य, यहाँ पर जो वातावरण शब्द का उपयोग किया गया है वो उपयोग किया गया है उद्देश्य को, क्योंकि बिना उद्देश्य के शिक्षण प्रक्रिया का कोई अर्थ नहीं होता। उसके बाद आता है पाठ्यक्रम, क्योंकि पाठ्यक्रम नहीं है तो क्या पढ़ाया जाए, क्या बताना है, क्या सिखाना है, क्या ज्ञान देना है, इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होगी। फिर शिक्षक अपने हिसाब से रैंडमली कुछ भी उठाएगा और उसको पढ़ाना शुरू करेगा। यानी कि एक टीचर जो उसके लिए अगर टीचिंग जो प्रोसेस है या जो शिक्षण प्रक्रिया है, इस टीचिंग प्रोसेस के अंदर इन चारों का होना बहुत ज़रूरी है। टीचर, स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड सिलेबस, इनके बिना कुछ भी संभव नहीं। बट सिलेबस क्या है? सिलेबस क्या किसी एक विषय के संबंधित जितनी भी विषय वस्तु है वो शिक्षा के संपूर्ण उद्देश्य को पूर्ण करती है। शिक्षा के संपूर्ण उद्देश्य या शिक्षा का मूल उद्देश्य, एक समय था जब शिक्षा शिक्षक केंद्रित थी, शिक्षक केंद्रित, जिस समय शिक्षा शिक्षक केंद्रित थी उस समय जो शिक्षा का उद्देश्य था वो केवल बालक का बौद्धिक विकास करना था। यानी कि इस समय केवल बालक का बौद्धिक विकास तक ही शिक्षा का उद्देश्य हुआ करता था। अब इसमें बालक उसके लिए योग्य है, उसमें क्षमता है, नहीं है, इन चीजों पर ध्यान केंद्रित नहीं होता था। यहाँ पर शिक्षक अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी उस व्यवस्था के अनुसार बालकों को शिक्षा प्रदान करता था। जैसे गुरुकुल आप लोगों के सामने सबसे बड़े उदाहरण है कि गुरुकुलों के अंदर बालकों को हर आयु वर्ग के बालकों को एक साथ बैठाकर शिक्षा प्रदान की जाती थी, क्योंकि वो शिक्षा शिक्षक केंद्र। लेकिन जैसे जैसे समाज में शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का प्रचार प्रसार बढ़ा, मनोविज्ञान के प्रयोग बढ़े, मनोविज्ञान की जो कार्यशैली है वो बढ़े, उसके सिद्धांत जैसे जैसे सामने आए, वैसे वैसे शिक्षा के उद्देश्य में परिवर्तन आया और शिक्षा का उद्देश्य हुआ सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास यानी कि बालक का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा का मूल उद्देश्य है। अब यहां
देखना ये है कि जब शिक्षा का मूल उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है तो क्या शिक्षा शिक्षण प्रक्रिया का जो ये चौथा आयाम था पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस, ठीक है, पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस, क्या इससे ये उद्देश्य पूर्ण हो रहा है? नहीं, क्यों? क्योंकि पाठ्यक्रम जो है वो केवल एक विषय, विषय विशेष, विषय विशेष से संबंधित जानकारी या सूचना प्रदान करेगा। अर्थात यहाँ पर सर्वांगीण विकास से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी पक्ष हैं, जितने भी तथ्य हैं, उनके लिए ये पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं होता है, ये सिलेबस पूर्ण नहीं होता है। तो इसके लिए किसकी आवश्यकता है? इसके लिए आवश्यकता है पाठ्यचर्या, अर्थात कि शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत जो चौथा आयाम पाठ्यक्रम की जहाँ बात करते हैं, वर्तमान में उस पाठ्यक्रम की जगह उस शब्द का उपयोग किया जाता है पाठ्यचर्या का, क्योंकि पाठ्यचर्या ही वो माध्यम है जिसमें कि बालक के सर्वांगीण विकास के समस्त उद्देश्यों की पूर्ति होती है। अब जानना यह है कि पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है, इसको किस अर्थ में समझा जा सकता है। तो अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ देखें, शाब्दिक अर्थ अगर हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है ये करिकुलम शब्द लैटिन भाषा के शब्द से, अंग्रेजी शब्द करिकुलम है जो कि लैटिन भाषा से लिया गया है। कहां से लिया गया है? लैटिन भाषा से इस शब्द को लिया गया है। अर्थात ये अंग्रेजी शब्द जो कि अंग्रेजी भाषा का है, ये शब्द जो कि लैटिन भाषा से लिया गया है, और ये शब्द जो बना है वो है, जिसका अर्थ अगर हम देखें करिकुलम, जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान, यानी कि इस शब्द का जो अर्थ है वो दौड़ के मैदान से इसका अर्थ लिया जाता है। करिकुलम करिकुलम जिसको कि दौड़ के मैदान के रूप में जाना जाता है, इसका अर्थ इस दृष्टिकोण से लिखा जाता है। शाब्दिक दृष्टिकोण से दौड़ का मैदान, जिसका कि जिसमें अब पाठ्यक्रम के अंतर्गत अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में इसे देखें तो ये वह प्रक्रिया है, यानी कि पाठ्यक्रम वह प्रक्रिया है जिस पर चलकर, जिस पर शिक्षक अपनी शिक्षण प्रक्रिया को पूर्ण करता है और शिक्षार्थी शिक्षा को अर्जित करता है, यानी कि चलकर शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों इस पर चलकर और अपनी लक्ष्य को यानी कि उद्देश्य को, लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। यानी कि लैटिन भाषा के दौड़ या मैदान जो कि एक करिकुलम शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है अंग्रेजी का, तो उसमें अगर हम हिंदी अनुवाद करते हैं तो दौड़ का मैदान है। अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में ये वह मैदान है जिसमें कि शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों उस पर चलकर और अपने लक्ष्य की प्राप्ति या उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं। संकुचित अर्थ, इसके बाद शाब्दिक अर्थ के बाद दूसरा आता है संकुचित अर्थ में हम इसको समझे। संकुचित रूप में अगर इसके अर्थ को हम समझते हैं तो संकुचित अर्थ के आधार पर शिक्षा का जो पाठ्यक्रम का जो अर्थ है वो है केवल विषय गत ज्ञान, यानी कि किसी एक विषय विशेष से संबंधित ही ज्ञान बालक को प्रदान किया जाना संकुचित अर्थ में जो है इसका। और अगर इसको हम और भी स्पष्ट समझे तो संकुचित अर्थ में पाठ्यचर्या को सिलेबस के रूप में समझा जा सकता है जिसमें कि केवल किसी एक विषय से संबंधित ज्ञान प्रदान किया जाता है या उससे संबंधित जानकारी बालक को प्रदान की जाती है। व्यापक अर्थ, व्यापक अर्थ में अगर हम इसको देखते हैं तो व्यापक अर्थ के अंदर विद्यार्थियों के लिए आयोजित की जाने वाली यानी कि विद्यार्थियों के जितने भी लक्ष्य या उद्देश्य हैं
विद्यार्थियों के लिए जितने भी लक्ष्य या उद्देश्य हैं, इनकी प्राप्ति के लिए जो प्रयास किए जाते हैं वो पाठ्यचर्या है। अब उसमें कौन कौन से शैक्षिक भी आ जाएंगे, सह शैक्षिक भी आ जाएंगे, यानी कि इसमें बालक के केवल शैक्षिक पक्ष पर ही ध्यान नहीं दिया जाएगा, बालक के सह शैक्षिक समस्त, चाहे उसका स्वास्थ्य, चाहे सामाजिक, चाहे आर्थिक, चाहे सांस्कृतिक, समस्त पक्षों के ऊपर ध्यान दिया जाता है। अर्थात व्यापक अर्थ के अंतर्गत ये एक सिलेबस तक सीमित नहीं है, ये एक पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं है जिसमें कि किसी एक विषय विशेष की जानकारी दी जाती, बल्कि इसके अंतर्गत बालक के जीवन के जितने लक्ष्य हैं उन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो भी प्रयास किए जाते हैं, चाहे वो शैक्षिक प्रयास है, चाहे सह शैक्षिक है, चाहे पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, जो भी है, सभी को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इसको समझने के लिए हम इस तरह से और समझ सकते हैं व्यापक अर्थ के अनुसार कि जैसे आपका लक्ष्य है बीएड की डिग्री को हासिल करना, यानी कि आपका लक्ष्य क्या है, ये बीएड की डिग्री को हासिल करना। अब इसके लिए यानी कि बीएड की डिग्री पाठ्यचर्या है, अब इस पाठ्यचर्या को पूर्ण करने के लिए कौन कौन से छोटे छोटे लक्ष्य हैं, यानी कि इसके अंतर्गत जैसे आपका बीएड फर्स्ट ईयर, बीएड सेकेंड ईयर, ठीक है, ये दो क्लास हो गई। अब यहां पर फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट, फर्स्ट टू फोर्थ पेपर, फिर दो आपके टीचिंग सब्जेक्ट और दो आपके स्पेशल पेपर, ये है। फिर फर्स्ट ईयर में आपका जो अगला लक्ष्य है या अगला जो छोटे छोटे लक्ष्य पर चलकर जो छोटे छोटे उद्देश्यों को पूर्ण करके लक्ष्य तक पहुंचा जाता है पाठ्यक्रम के अंतर, पाठ्यचर्या के अंतर। तो अब यहाँ पर जैसे दो भागों में हमारा बीएड की डिग्री डिवाइड हुई, फिर उसमें बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर के अंदर चार कंपलसरी, दो टीचिंग सब्जेक्ट एंड दो स्पेशल पेपर, एंड देन प्रैक्टिकल वर्क। प्रैक्टिकल वर्क अब उसके अंदर आपके प्रैक्टिकल वर्क के अंदर इंटरनल यानी कि कॉलेज लेवल पे जो आपने माइक्रो टीचिंग वगैरह करी वो, और स्कूल इंटर्नशिप, ये आपके दो भाग में कंप्लीट हुआ। और फिर यहाँ पर एक और आता है आपका को करिकुलर एक्टिविटी, ठीक है, यानी कि अब यहाँ पर आकर आपका ये बीएड फर्स्ट ईयर कंप्लीट होता है। बीएड सेकंड ईयर में फर्स्ट टू थ्री कंपलसरी, टू टीचिंग सब्जेक्ट, टू स्पेशल पेपर, अच्छा फिर बाद में इसमें आता है 90 डेज स्कूल इंटर्नशिप, और फिर इसमें एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज, तब जाकर आपका ये सेकंड ईयर कंप्लीट होता है। और फिर दोनों के इसका भी एक्सटर्नल और इंटरनल एग्जाम, यानी कि ये छोटे छोटे उद्देश्य हैं, इन उद्देश्यों को पार करते करते आप इस सभी उद्देश्यों को पार करके फिर आप इस लक्ष्य तक पहुंचते हो, यानी कि ये पूरा पाठ्यचर्या है जो भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का है, और सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम ये छोटे छोटे हैं, पेपर वन एक पाठ्यक्रम है, पेपर टू दूसरा पाठ्यक्रम है, पेपर थ्री है तीसरा पाठ्यक्रम, यानी कि ये इस तरह से आपके आप इसको पाठ्यक्रम को और पाठ्यचर्या में अंतर को समझ सकते हैं। यानी कि व्यापक अर्थ में पाठ्यक्रम जो है वो पाठ्यचर्या जो है वो संपूर्ण को लेकर, यानी कि बालक के संपूर्ण विकास को लेकर जो निर्णित किया जाता है उसे पाठ्यचर्या कहा जाता है। कल हम परिभाषा के आधार पर पाठ्यक्रम को समझने का प्रयास करेंगे। आज की बात जहाँ तक आपको समझ में आई होगी सोचती हूँ, क्योंकि मैंने चारों बीएड सेकंड ईयर के सभी पेपर्स का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लोगों को दिया है, हालांकि सभी सब्जेक्ट टीचर्स आपको दे चुके हैं, लेकिन कल की वीडियोस को देखने के बाद मुझे कुछ
महसूस हुआ कि कुछ लड़कियों को पेपर्स की जो है, कौन कौन से पेपर्स हैं, क्या है, वो चीज़ समझ में नहीं आई है, कुछ कन्फ्यूजन है, उसको क्लियर करने की मैंने कोशिश की है। तो बेहतर यही होगा कि आज का जो आपका सभी का एक होमवर्क होगा वो यही होगा कि आपके जितने भी तीनों कंपलसरी पेपर्स, दोनों ऑप्शनल पेपर, स्पेशल पेपर्स कौन कौन से हैं उसको एक जगह नोट डाउन करें, और उसके बाद में हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए पाठ्यचर्या का क्या अर्थ अभी तक आप लोगों ने समझा है उसको आपको लिखना है। तो आपका जो आज का क्वेश्चन होगा पाठ्यचर्या के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। पाठ्यचर्या के अर्थ को आपको स्पष्ट करना है। हालांकि क्वेश्चन पूरी सूचना नहीं दे पाई हूँ अभी तक, केवल संकुचित, व्यापक और शाब्दिक अर्थ में ही है, तो आपको सिर्फ उतना ही इसको लिखना है। अपनी बात को समाप्त करने से पहले, COVID-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें, अत्यधिक आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलिए। घर से बाहर निकलते हैं तो मुंह पर मास्क लगाकर निकलिए, हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करते रहिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।